हेलो फ्रेंड्स, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए केवल होममेड रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खे ही जरूरी नहीं है। आप चाहें तो कुछ फूलों का इस्तेमाल करके भी अपने चेहरे को फूलों जैसा सुंदर बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कौन कौन से फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है रोज और वीट मास्क। जी हाँ, गुलाब की पत्तियाँ और वीट यानी की रेगुलर आटा जिससे हम घर पर रोटियाँ बनाते हैं, उन दोनों को आपस में मिक्स करके अच्छे तरीके से पाउडर करके उनका पेस्ट बना दीजिए। आप पेस्ट बनाने के लिए उसके अंदर गुलाब जल या फिर दूध भी डाल सकते हैं। इसे अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगाइए और फिर 10 मिनट तक छोड़कर धो लीजिए। यह आपके चेहरे की रंगत को और ज्यादा बढ़ाएगा। टिप नंबर 2 है चमेली के पौधे और दही का फेस पैक। दही के अंदर चमेली के पत्तों को अच्छे तरीके से पीस कर मिक्स करिए और इसे अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए, सारी गंदगी को साफ करने के लिए और चेहरे के अंदर मुलायमपन वापस लाने के लिए काफी अच्छा है। टिप नंबर 3 है लैवेंडर और ओट्स पैक। जी हाँ, ओट्स जिसे हम नाश्ते के तौर पर खाते हैं, उसे पानी के अंदर सोक करके पेस्ट बना लीजिए और इसके अंदर लैवेंडर की पत्तियों को भी पीस लीजिए और इसे अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे की सारी स्क्रबिंग को करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए ये काफी अच्छा फेस पैक है। टिप नंबर 4 है गुलाब और चंदन का फेस पैक। गुलाब जल या फिर गुलाब की पत्तियों को पीस कर उसमें समान मात्रा में चंदन मिलाकर अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह लगाइए। कुछ देर तक छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे धो लीजिए। ऐसा करने से चेहरे में चमक आती है, चेहरा टाइट बनता है, समय से पहले आने वाली झुर्रियां और काले घेरे काफी हद तक दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो रेगुलर चंदन की बजाय सफेद चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप सफेद चंदन का प्रयोग कर रहे हैं तो जब भी आप अपने फेस पैक को धोएंगी और उसके बाद चेहरे को तौलिए से पोछेंगी तो ज्यादा रगड़ कर अपने चेहरे को ना पोछें, क्योंकि ऐसा करने से असर कम हो जाता है। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।